फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स बोर्ड के द्वारा आप सभी का मॉडल प्रश्न पत्र वायरल कर दिया गया है। फ्रेंड्स इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल फ्रेंड्स आप देख के बोर्ड का एग्जाम देने जाइएगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये 2023 और 2024 का मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। फ्रेंड्स आज आप सभी को हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र बताने वाले हैं। फ्रेंड्स आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और इस प्रश्न पत्र का आंसर आप 2-3-4 बार पढ़ के ही बोर्ड का एग्जाम देने जाएं। फ्रेंड्स आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपको 70 नंबर के पेपर में से आपके बोर्ड के एग्जाम में केवल इस प्रश्न पत्र से 50 नंबर का फ्रेंड्स प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप मत कीजिएगा, सभी प्रश्न को आप ध्यान से देखिए और उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपका प्रश्न पत्र जो है इसमें जो आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स इसके निर्देश को पढ़ना आपके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है, ठीक है। देखिए पहला निर्देश क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। 15 मिनट तक आप प्रश्न पत्र पढ़ना है। इसमें 2 खंड है, खंड अ और खंड ब में विभाजित किया गया है। प्रश्न पत्र जो है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसे आप ओएमआर सीट पर नीले तथा काले बाल पॉइंट से आपको सही सही गोले को भरना रहेगा। फ्रेंड्स देखिए आपका अगला निर्देश क्या है फ्रेंड्स कि खंड अ जो है उसमें बहुविकल्पी जितने भी प्रश्न हैं वो एक एक नंबर का होगा, ठीक है। ओएमआर सीट भरने के बाद फ्रेंड्स आपको उसे काटना नहीं है, न इरेजर न व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। फ्रेंड्स इस निर्देश को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब फ्रेंड्स चलिए यहाँ से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न बताने वाले इसको एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। यही प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में जो 2024 में होने वाला है इसी प्रश्न को पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स सवाल क्या है आपका, पहला कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। ऑप्शन है भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग या शुक्लोत्तर युग। देखिए फ्रेंड्स ये कितने नंबर का, एक नंबर का है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, करेक्ट कर लीजिए आप कि बाबू गुलाब राय जो है शुक्ल युग के लेखक है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स देखिए दूसरे नंबर का क्या है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। ऑप्शन निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है। तो फ्रेंड जो चिंतामणि है आपका एक निबंध है, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स आपका कि गबन किसकी रचना है। ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। तो फ्रेंड्स देखिए गबन जो है आपकी जो रचना है मुंशी प्रेमचंद्र की है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ए होगा। देखिए फ्रेंड्स एक बार और बता दे रहे हैं आपको कि पेन कॉपी लेके इसका एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए। फ्रेंड्स प्रत्येक प्रश्न को अच्छे प्रकार से जरूर लिखिएगा, यही प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न क्या है कि शुक्ल युग की समय अवधि है। तो फ्रेंड्स देखिए 1936 से लेकर 1943 या 1919 से लेकर 1938 तक या 1900 से लेकर 1918 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा 1919 से लेकर 1938 तक। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आपका पांचवा नंबर का क्या है, नीरकण निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ऑप्शन है एक जीवनी है, आत्मकथा है, या भेंट वार्ता है, या रेखा चित्र है। तो फ्रेंड्स नीरकण निर्माण फिर जो है किस विधा की रचना थी, एक आत्मकथा है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ऑप्शन है द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, भारतेंदु युग या छायावादी युग। तो फ्रेंड्स छठवां का आपका सही जवाब होगा द्विवेदी युग। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की है, ठीक है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका कि मधुशाला किसकी रचना है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर का, हरिऔध का, हरिवंश राय बच्चन का या सुमित्रानंद
पंत का। तो फ्रेंड्स देखिए, सातवां का सही जवाब आपका होगा हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला सवाल फ्रेंड्स देखिए आपका क्या है कि भारत भारती किस की रचना है। ऑप्शन अब ध्यान से पढ़िएगा, सियाराम शरण गुप्त, मैत्रीश्वर गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, जो भारत भारती है आपका मैथिली शरण गुप्त का है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आठवां का आपका हो गया बी वाला। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। तो ऑप्शन है सन 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 तक, 1918 से 1936 या 1936 से लेकर 1943 तक। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आधुनिक काल है आपका 1843 से लेकर जो अब तक का समय चल रहा है वो एक आधुनिक काल के अंतर्गत रखा गया है। आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स कि मतिराम किस युग के कवि है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन है आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या रीति काल। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा कि मतिराम जो है एक रीतिकाल के कवि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स 11वां नंबर का क्या है, हास्यरस का स्थायी भाव क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, हास्यरस से इसका स्थायी भाव हास होता है। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स 12वां नंबर का क्या है कि सोहत ओढ़े पीत पात, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रकाश, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए फ्रेंड्स, जब मनो, जनु, जानो, मनहु सब आता है सब, तो वो जैसे ही शब्द आता है उस शब्द को देख के आप पहचान सकते हैं कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स 13वां नंबर का क्या है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप रोला और छंद, जो रोला है उसमें टोटल चार चरण होते हैं। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर का देखिए फ्रेंड्स 14वां नंबर का क्या है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो आकर्षण शब्द है फ्रेंड्स, उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग मतलब होता है कि जो शब्द दिया रहता है उसके प्रारंभ में कौन सा अक्षर जुड़ा है, वही आपका एक उपसर्ग होता है। तो आकर्षण में देखिए आ जुड़ा है ना, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आकर्षण में उपसर्ग कौन सा है, आ है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका दो, पाँच, छः या तीन। तो फ्रेंड्स, रचना के आधार पर जो आपके वाक्य के भेद हैं टोटल कितने हैं, तीन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, पीताम्बर में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधार है, द्वंद, बहुब्री या तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, जो कर्मधार है उसमें आपका एक बहुब्री समास है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, आंसु का तत्सम रूप क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन है अश्रु होगा, अंशु होगा, रोना या आग। तो आंसु का जो तत्सम रूप होता है अश्रु होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन है कर्ता की प्रधानता या कर्म की प्रधानता या भाव की प्रधानता, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, कर्ति मतलब होता है कर्ता, यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, ताभ्य शब्द में वचन विभक्ति बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िएगा, और इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। इसमें क्या है, ताभ्य में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स आपका क्या है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, मनुष्य, बचपन, वह या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सर्वनाम कौन सा है, तो वह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपके 20 जो बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट थे आपको हल करा है, इसको एक नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से खंड ब स्टार्ट होता है जो टोटल 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। यहाँ पे ये टोटल 6 नंबर का रहेगा। फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है,
ध्यान से पढ़ने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं जो प्रत्येक 2-2 नंबर का है। फ्रेंड्स देखिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, जब ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मित्रता लिखा है ना, तो आप इससे पता कर सकते हैं जब मित्रता लिखा है तो आपका ये कौन सा चैप्टर है फ्रेंड्स, मित्रता चैप्टर है। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ पर लिखना है, जो संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा इसमें। गद्यांश के रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है फ्रेंड, जो ये अंडरलाइन इस तरह बनाया गया है इसका आप व्याख्या करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर इसके अलावा फ्रेंड देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं इसके बारे में यदि आप बताते हैं तो आपको 2 यानी टोटल 6 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं जो आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अथवा में दिया है, आपको ये प्रश्न आ रहा है तो हल कीजिएगा या अथवा में नीचे वाले प्रश्न को भी इसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला वाला प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें भी गद्यांश पूछा है, गद्यांश के रेखांकित जो इसका अर्थ पूछा है। फिर यहाँ पे ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है इसके बारे में पूछा, दोनों प्रश्नों में से जो आ रहा होगा उसको आप हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स क्या है दूसरा, कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है जो 6 नंबर का ये भी रहेगा। यहाँ पे आपका पद्यांश देना, पद्यांश दिया इसको पढ़ के इसका आंसर आपको लिखना है। देखिए चरण कमल बंदो हरिदाई जाकी कृपा पंगु गिरी ले हो। फिर इसके अलावा देखिए आप लिखा अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गुंग पुनी बोले, रंग चले फिर छत्र धराई, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे इसका क्या करना है कि पद्यांश जो इसका संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, रेखांकित अर्थ की व्याख्या करते हैं, रेखांकित है ना इसका यदि आप व्याख्या करते हैं 2 नंबर, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है यह यदि करते हैं 2 नंबर, यानी 2, 2, 4 ना 6 नंबर ना 6 नंबर का टोटल प्रश्न है। यदि प्रश्न आ रहा है तो कीजिए या अथवा में लिखा है इसके नीचे वाले भी प्रश्न आप हल कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या है, गद्यांश पद्यांश पर संदर्भ लिखना है, रेखांकित जो अंश है यहाँ पे रेखांकित इस तरह किया गया है ना इसका क्या करना है आपको रेखांकित व्याख्या करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको अनुराग तड़ाक तथा मनु मंजूल कंच अली कली में कौन सा अलंकार है इसमें आपको अलंकार बताना है। अब फ्रेंड देखिए आपके बाद इसके बाद आता है 5 नंबर का सवाल, क्या यहाँ पे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए आपका क्या है भारतीय संस्कृति से ये है चैप्टर से, और यदि पहला का आंसर आ रहा है तो इसका आपको क्या करना है व्याख्या करना है और संदर्भ भी दोनों लिखना है, टोटल 5 नंबर का रहेगा। ये प्रश्न आ रहा है इसको पढ़ लीजिएगा, इसका हल भी आपको कुछ समय के बाद फ्रेंड्स इसका संपूर्ण हल करके अपलोड कर देंगे, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को कर सकते हैं या अथवा में दिया है, दोनों प्रश्नों में से आप कोई भी हल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है व्याख्या करना है, दूसरा नंबर संदर्भ संदर्भ लिखना है और इसका व्याख्या करना है आपको हिंदी में। अगला नंबर का देखिए सवाल क्या है 4 नंबर का, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, 5 नंबर का रहेगा। देखिए फ्रेंड्स ये आप ध्यान से पढ़िएगा, ये प्रश्न आ रहा है इसका आंसर दीजिए अथवा लिखा है ये सर्वे भवन्तु सुखी न सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। तो फ्रेंड देखिए आप इसका संदर्भ लिखिएगा और इसके जो यहाँ पे लिखा गया व्याख्या कर लीजिएगा, जो प्रश्न आपको आ रहा है उसका आंसर आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखना रहेगा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम गाजीपुर के हैं, तो गाजीपुर में जो आपको खंड काव्य यहाँ पे पढ़ना है वो है आपका मुक्तिदूत, क्या है मुक्तिदूत ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मुक्तिदूत देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्र करना है इसका आंसर दीजिएगा, या इसके अलावा दूसरा क्या है मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखना है, इन दोनों में से किसी एक का ही जवाब देना है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका
ख हुआ, ग, घ, ङ, च, ये सभी प्रश्न आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको क वाला ही करना है, ठीक है। यदि आप गाजीपुर से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ क वाला ही करना है। इसके अलावा जितने भी प्रश्न इसके आगे आपको छ, ज, झ नजर आ रहा है, जितने भी प्रश्न है ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे छ का क देखेंगे ना, यहाँ पे दिए गए लेखकों में से किस एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखी। देखिए फ्रेंड्स, आपको जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ, इन पे लिखा चुके हैं, जो आपका 5 नंबर का रहेगा। इन तीनों में से किसी एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना है, ठीक है। आप इसका जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, दिए गए कवियों में से एक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का नाम उल्लेख भी करना है आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका यहाँ पे क्या करना है कि जीवन परिचय लिखना है, ये भी आपका 5 नंबर का है, तीन तीनों में से किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना रहेगा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, आपका प्रश्न क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। यह आपका 2 नंबर का रहेगा, एक श्लोक लिखना है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला 8वां नंबर का प्रश्न क्या बनता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है, जो कितने 2 प्रश्न करना, प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न है, चारों में से जिसका आंसर आपको संस्कृत में आ रहा है उसी का आंसर आपको देना है। जैसे पहला क्या है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, इसका आंसर आपको आ रहा है संस्कृत में तो इसका आंसर दीजिए, या इसके अलावा पुरुराज का आसीत, या इसके अलावा चंद्रशेखर का आसीत, वीर केन पूज्यते, इन चारों में से किसी 2 का ही आंसर आपको देना है, 2 नंबर का है। इन सभी प्रश्नों का आप प्रॉपर एक नोट्स बनाइए फ्रेंड्स, बार बार ये बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि नोट्स बनाइए, इसलिए कि यही प्रश्न जितने भी बता रहे इसी प्रश्नों में से आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जो आपका 7 नंबर का रहेगा। यहाँ पे 4 दिया है, इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी शक्तिकरण, इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखिएगा, जो 7 नंबर का रहेगा। अगला नंबर देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है आपका 10वां नंबर का, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, इस साल आपको एक पत्र लेखन भी रहेगा, चाहे प्रिंसिपल पे दे देगा, चाहे बीमारी पे दे देगा, एक पत्र लिखना रहेगा जो 4 नंबर का रहेगा। ये प्रश्न आ रहा है तो ठीक, अथवा हम दिया है ये प्रश्न नहीं आ रहा तो इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं, उत्तर मध्य रेलवे का एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख कीजिए। तो इन दोनों में से कोई एक ही आपको करना रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी के पूरा टोटल जितने भी प्रश्न आपके 10 थे, ठीक है, टोटल कितने 10 टोटल जितने भी प्रश्न थे आपके, इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न आपको बता दिए हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसका संपूर्ण पेपर का हल आपको 1-2 दिन के अंदर में वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, जिससे आप इसका प्रॉपर नोट्स एक बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप केवल प्रश्न पत्र देख लीजिए, आपको पता चल सके कि आपके बोर्ड के एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पत्र आने वाला है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास फ्रेंड्स अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।